मैं कल गया था, मुझे स्वामी रामदेव जी महाराज ने और आचार्य बालकृष्ण जी ने उत्तराखंड में यमकेश्वर विकास खंड में एक वेलनेस सेंटर की स्थापना की। मैं देखा हूं, कल मैं लगभग 1.5 से 2 घंटे वहां पर था। इतना बेहतरीन केंद्र बनाया गया है, सचमुच मैं अभिनंदन करूंगा उनका कि उन्होंने एक अच्छे केंद्र को, यानी जो एक पहाड़ी सूखी पहाड़ी थी, मुझे परसों ही इसके बारे में जब आचार्य जी ने बताया, स्वामी चिदानंद मुनि जी महाराज ने बताया कि अच्छा वहां पे बना हुआ है, तो मैंने इस बारे में कहा। यद्यपि कार्यक्रम के ठीक पहले खूब बारिश थी, खूब आंधी चली, लेकिन जब हमारा कार्यक्रम वहां बनने के लिए हुआ तो मौसम बहुत शांत और सुहावना हो गया। आप जब यहां टेम्परेचर में 45 डिग्री टेम्परेचर में यहां पर मैदानी क्षेत्र में रहे होंगे, तो हम लोग वहां 15 डिग्री टेम्परेचर में वहां पर उस क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे, उनके बगीचे में, वहां पर हम लोग वेलनेस सेंटर उस पूरे क्षेत्र में हम भ्रमण कर रहे थे। कितना आनंददायक क्षेत्र बना था, सूखी पहाड़ी, कुछ नहीं होता था, एकदम पथरीली पहाड़ी, पत्थर भी सामान्य नहीं, वे मोटे मोटे पत्थर जिसमें अगर किसी का नंगा पैर पड़ जाए तो वह काटे बगैर छोड़ेगा नहीं। उस पथरीली जमीन पर आज कल मैं देख रहा था, मैंने वहां पर आड़ू खाया, खुमानी मुझे परसों भी वहां खाने का अवसर प्राप्त हुआ, और कल मैंने फल देखे वहां, नींबू की अलग अलग वैरायटी देखी, चंदन के पेड़ देखे, 40,000 से अधिक वृक्ष, चंदन है, आरारोट है, आंवला है, नींबू है, खुमानी है, आड़ू है, ऐसी अलग अलग वैरायटी की, पूरा जंगल लहराता हुआ दिखाई दे रहा। और आप अन्य पहाड़ियों से उसकी तुलना करेंगे तो एक नई आध्यात्मिक ओज वहां पर देखने को मिल रहा है कि किसी ऋषि की कर्म साधना का यह वास्तविक क्षेत्र बना हुआ है, और वह कर्म क्षेत्र की साधना का जो क्षेत्र बना है उसका ओज और उसका तेज उस पहाड़ी के अंदर स्वतः स्फूर्त भाव के साथ देखने को जो मिला वहां पर मुझे, अद्भुत। और केवल तीर्थ स्थल ही नहीं, वहां पर पर्यटन की संभावनाओं को विकसित करने के साथ साथ वेलनेस सेंटर, यानी अगर कोई बीमार व्यक्ति वहां पहुंच जाएगा तो अपने आप ठीक हो जाएगा, यानी अगर किसी को लंग्स की परेशानी है और उसको मास्क लगा करके चलने के लिए डॉक्टर अगर कहते हैं और उसको थोड़ी सी पोल्यूशन में खांसी आने लगती है, वह एक सप्ताह अगर वहां रह जाए तो पूरी खांसी गायब हो जाएगी, लंग्स फिर से मजबूती पकड़ने लग जाएंगे, और लंग्स तो शरीर का एक ऐसा हिस्सा है कि अगर वह कार्य नहीं करेगा तो शरीर का पूरा पंप स्टेशन ही समाप्त बैठ जाएगा। तो वह स्थिति वहां पर मुझे देखने को मिली, कितना अच्छा रमणीय स्थल के रूप में उसको विकसित किया है, यह पर्यटन के साथ साथ वेलनेस सेंटर के साथ साथ वह उत्तराखंड के पलायन को रोकने और उत्तराखंड के अंदर आत्मनिर्भर भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी की परिकल्पना को साकार करने का एक सेंटर स्थापित होकर हो सकता है, और उस प्रकार के अनेक सेंटर विकसित किए जा सकते हैं जो उत्तराखंड के नौजवानों को रोजगार और नौकरी तो देगा ही, साथ साथ आरोग्यता के लिए उत्तराखंड की भूमि पर देश को आमंत्रित करने, एक तरफ 4 धाम की यात्रा चलेगी और दूसरी तरफ आरोग्यता की यात्रा भी चलेगी, एक साथ दोनों जब बढ़ेंगे, हम आस्था के साथ साथ आरोग्यता को भी जोड़ करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे तो उसके बेहतरीन परिणाम वहां पर देखने को मिलेंगे, और एक अच्छा प्रयास वहां पर हुआ है। मैं इसके लिए स्वामी जी का, आचार्य जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने उस कार्यक्रम को वहां पर बढ़ाने का कार्य किया है।